तो आज की वीडियो एक FAQ वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने अभी दो दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी मोटो एज 40 की अनबॉक्सिंग वीडियो। तो उस वीडियो के नीचे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन थे लोगों के जो मैं यहाँ पे एक वीडियो में ही कवर करना चाहता था। साथ ही मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी जिसके ऊपर यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए थे, और साथ ही मुझे कुछ यहाँ पे DMs भी आए थे इस फ़ोन के रिगार्डिंग, क्योंकि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़ेदार है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोग इसको बाय करना चाहते होंगे, और जितने ज़्यादा लोग इसको बाय करना चाहेंगे तो सवाल भी उतने ही आएंगे। तो इसमें मैंने कुछ यहाँ पे 8-9 सवाल यहाँ पे 8-9 क्वेश्चंस पिक किए हैं जो आप में से ही निकल के आए हैं, और कुछ एक दो मैंने अपने आप से यहाँ पे ऐड अप किए हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे इस फ़ोन को बाय करने में या ना बाय करने में। तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होगी, जो भी है आप ही से यहाँ पे निकला है, आप ही की क्वेश्चंस हैं, तो वही करने की कोशिश करेंगे कि उसको हम यहाँ पे आंसर दे पाएँ सभी क्वेश्चंस को। तो अगर किसी का क्वेश्चन यहाँ पे रह भी जाएगा तो मैं ट्राई करूँगा एक और FAQ वीडियो बनाऊँ। तो उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा अगर आपको इस फ़ोन के बारे में कुछ यहाँ पे जानना है, क्योंकि अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको 1.5 दिन हो चुका है, मैंने इसको अपना प्राइमरी यहाँ पे फ़ोन बना लिया है। इसमें मैंने एयरटेल का यहाँ पे सिम डाला हुआ है, तो मैं इसको अपना प्राइमरी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा एक्सपीरियंस आ रहा है, प्रीमियम एक्सपीरियंस आ रहा है। मैंने आपको बताइए कि मैं अभी करंटली iQOO 11 यूज़ कर रहा हूँ, और iQOO 11 से जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, iQOO 11 एक अपने आप में फ्लैगशिप डिवाइस है, तो मुझे लगा था कि मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर मैं OS वगैरह की बात करूँ, ओवरऑल एक एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे इसको यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि इसका जो प्रीमियमनेस है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यहाँ पे बन जाती है। तो अभी हम यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केसेस के बारे में, या इसके यहाँ पे आप बोल सकते हो कोई टेम्पर्ड ग्लास के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उसको कवर अप करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये TPU केस जो मिला है, हालांकि ये प्लास्टिक का ही केस है, ठीक है, कोई यहाँ पे ग्लास नहीं है, लेकिन ये इतना यहाँ पे अच्छा बनाया गया है कि अगर आप इसको यूज़ करोगे इसको लगा के, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम सा फील आता है। ये फील नहीं आता कि आपने कुछ चीप यहाँ पे केस यूज़ किया है, तो आपको कोई अलग से केस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा, और दूसरा यहाँ पे जो इसका सामने जो इसका ग्लास दिया गया है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जो ग्लास है इसके ऊपर हमें कोई टेम्पर्ड ग्लास लगाना चाहिए कि नहीं। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़ोन नया आया है, तो कंपनीज बहुत सारे ऐसे ही ग्लास सेल कर रही हैं, तो एक अच्छी सी कंपनी का कोई ग्लास आएगा तो आप यहाँ पे देख के उसको लगवा सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको लगवाना ही, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बाकी फ़ोन्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे OnePlus 11 है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से, आपको मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो प्री इंस्टॉल्ड एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर है। लेकिन ऐसी कोई भी प्रोटेक्शन हमें यहाँ पे मोटो एज 40 में देखने को मिलती, तो यहाँ पे बिल्कुल न्यूड स्क्रीन आप इसको बोल सकते हो, स्क्रैचेस बड़े ईजिली आएंगे। और काफ़ी सारे लोग इसको बोलते हैं कि इसमें यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको NEG करके यहाँ पे ग्लास है, निपॉन इलेक्ट्रिक ग्लास जो एक जैपनीज कंपनी है, उसका ग्लास यूज़ किया गया है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि गोरिल्ला ग्लास जो है वो ज़्यादा यहाँ पे रेसिस्टेंट है स्क्रैचेस से, तो इसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप एक स्क्रीन प्रोटेक्टर स्क्रीन शील्ड यहाँ पे यूज़ कर लो, कोई लेमिनेटेड यहाँ पे शील्ड यूज़ कर लो, जब तक कोई अच्छा सा ग्लास कोई कंपनी नहीं निकालती है। तो ये तो था यहाँ पे केस और ग्लास को लेके जिनके यहाँ पे क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आंसर सभी को मिल गया होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे मुझे देखने को मिला था, वो इसकी बैटरी लाइफ को लेके देखने को मिला था, बैटरी लाइफ कितनी है, बैकअप कितना दे रहा है, चार्जिंग का कितना टाइम लेता है, सारी चीज़ें मैं कवर अप करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, फ़ोन को मैंने सुबह यूज़ करना शुरू किया था, तो अभी सुबह आप मान के चल सकते हो 8 बजे से लेके अभी शाम के यहाँ पे 6 बज चुके हैं, और बैटरी यहाँ पे 24% अभी भी रहती है। मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बोला था कि मुझे नहीं लगता कि बैटरी बैकअप अच्छा होगा, लेकिन इसने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया है। मेरी सेम ही यहाँ पे यूसेज है जो मैं iQOO 11 में कर रहा था, इसमें भी यहाँ पे वही सेम ही यहाँ पे मेरी यूसेज हुई है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे सेम ही बैटरी बैकअप मुझे मिला है जो 5000 mAh की बैटरी में देखने को मिला था। तो ये चीज़ कैसे हुई है, इसकी UI की वजह से। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कितना SOT मिला है अभी तक, और कितना मिल जाएगा, हम एक अप्रॉक्सीमेशन तो यहाँ पे लगा के चल ही सकते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक बार स्क्रीन कितना स्क्रीन ऑन टाइम मिला है मुझे।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 घंटे 22 मिनट का SOT दिखा रहा है, और इसमें मैं आपको यूसेज दिखा देता हूँ मैंने क्या कुछ यूज़ किया है। ज़्यादातर यहाँ पे व्हाट्सएप हो गया, यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, यूट्यूब हो गया, यही कुछ मैंने यूज़ किया है। कोई गेम वगैरह नहीं खेली है, जो कि यूजली मैं iQOO 11 में भी नहीं खेलता हूँ। तो अभी 1/4 बैटरी बाकी है, 25% बैटरी बाकी है, तो बड़े आराम से 7 घंटे का SOT निकाल के दे देगा मुझे। मैं अभी इसको चार्ज नहीं करने वाला हूँ, मैंने अभी किसी फंक्शन पे जाना है तो वहाँ पे मैं कुछ फोटोज क्लिक करूँगा, तब और भी अच्छा सा आइडिया मिलेगा कि कैमरा भी यूज़ करने के बाद और साथ में कॉलिंग करने के बाद कैसा यहाँ पे आपको बैकअप मिलेगा। मान के चल सकते हो 6.5 से लेके 7 घंटे का आप SOT अटेन कर सकते हो अगर आप नॉर्मल यूसेज कर रहे हो विदाउट गेमिंग। गेमिंग में तो आपको पता ही है बहुत सारे डिवाइस 6000 वाले भी जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। और जो इसकी चार्जिंग की स्पीड है वो भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 68 वॉट का यहाँ पे फास्ट चार्जर है। तो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो मुझे लगा था यहाँ पे फोन अंडर 25 मिनट चार्ज हो जाएगा क्योंकि बैटरी कम है, 4400 mAh की बैटरी है, लेकिन पूरे एग्जैक्टली मुझे 40 मिनट लगे इसको 0 से लेके 100 चार्ज करने में। और अगर आप मान के चल सकते हो कि अगर आप 90% बैटरी चार्ज करते हो वो आधे घंटे में आपको चार्ज करके दे देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बैटरी को लेके जो एक डाउट था, कितना बैटरी बैकअप है, कितने में चार्ज करता है, वो मैंने क्लियर किया होगा। और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है बैटरी के रिलेटेड तो मैं वो आपको बताऊंगा कि मैं इसको 1 हफ्ता यूज़ करूंगा अभी फिलहाल, या 15 दिन यूज़ करूंगा, तब आपको अच्छे से बता पाऊंगा। क्योंकि 1 दिन में बैटरी बैकअप बता पाना आपको भी पता कोई यहाँ पे आसान काम नहीं है, ना ही वो कुछ उसका लॉजिक बनता है कि हाँ भाई 1 दिन में उसने बता दिया। मैं सिर्फ आपको अपनी एक यूसेज दिखा रहा हूँ और यूसेज के बाद आपको क्या मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला मैंने आपको सब शेयर कर दिया। तो इसको आप एक्यूरेट मत मानिएगा, कम ज़्यादा हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली अभी मान के चल सकते हो 6 घंटे हम एक बार मान के चलते हैं, और आगे आगे वो बढ़ता है या कम होता है वो आने वाली वीडियोस में, रिव्यू वाली वीडियो में बता दूंगा। आगे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था Antutu के बेंचमार्क के बारे में, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें आपको देखने को मिलता है Dimensity 8020, तो उसके हिसाब से Antutu का स्कोर जो मेरे पास यहाँ पे निकल के आया है मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने लेटेस्ट ही इसको शाम के टाइम में अभी किया था कुछ आधा घंटा पहले। तो अगर आप इसके हीटिंग के बारे में बात करते हो, जैसे अभी कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसकी हीटिंग के बारे में आपको बताता हूँ कितना यहाँ पे टेम्परेचर है। तो 36 डिग्री आप देखो, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल यूसेज में काम करता हूँ, नॉर्मल कैमरा यूज़ करता हूँ, फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो एवरेज जो टेम्परेचर निकल के आता है वो 35-36 डिग्री निकलता है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये इशू था कि नॉर्मल यूसेज में वो गर्म तो नहीं होता, कैमरा में गर्म तो नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है, 35-36 डिग्री तक ये टेम्परेचर जाता है। हाँ, लेकिन जब मैं इसका टेस्ट कर रहा था Antutu वाला, तो अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे 38 डिग्री से रेज होके यहाँ पे 40-43 डिग्री तक यहाँ पे रेज हुआ है। तो Antutu करने के बाद भी यहाँ पे 43, अगर मैं इसका एक और यहाँ पे आप कह सकते हो टेस्ट दोबारा रन कर देता तो टेम्परेचर 45-46 डिग्री जाता। तो ओवरहीट वाला यहाँ पे मुझे इस फ़ोन में भी 1 दिन की यूसेज में कुछ नहीं देखने को मिला है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी पसंद आई है इस फ़ोन की। यूजुअली क्या होता है कि जो नए अब जब फ़ोन यूज़ करना शुरू करते तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे गर्म रहता है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, फ़ोन यहाँ पे काफ़ी हद तक ठंडा रहता है। 35 डिग्री मैं यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा हूँ नॉर्मल यूसेज में, जगह अगर आपका फ़ोन स्टैंड बाय के ऊपर पड़ा रहेगा तो 30 से लेके 32-33 डिग्री तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये है इसका यहाँ पे हीटिंग का, जो भी था हीट होता है या नहीं, और Antutu का यहाँ पे स्कोर। तो मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपके यहाँ पे 2-3 आंसर दे दिए हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे जो स्कोर आ रहा है काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो स्कोर है वो 6.8 लाख या 7 लाख के अराउंड आ रहा है। तो मैंने अपनी वीडियो में बात की थी कि स्कोर यहाँ पे कम ही आता है, तो यूजुअली आप देखो स्कोर क्या आ रहा है, 6.3 लाख। और वहीं मैंने कंपेयर किया था 778 प्लस के साथ जो उसका मोटो A30 में था, तो उसका भी स्कोर आप मान के चल सकते हो वो स्कोर 6 लाख से थोड़ा सा कम आता है, आप मानो उसका 5.8 आता है। तो अगर उसकी बात मैं उसके हिसाब से मैं कंपेयर करूँ तो परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो जो बंदे 30 ले जो यूज़ कर रहे हैं वो 40 की तरफ मत आएँ, तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप स्कोर देख ही सकते हो। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे वहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जब मैंने वो बात की थी 778 प्लस और Dimensity 8020 के बारे में। तो आगे एक और यहाँ पे क्वेश्चन कैमरास के बारे में पूछा गया था, तो कैमरा की क्वालिटी मैं आपको वैसे तो एक वीडियो आने वाली है 2-3 दिन में, मैं कंपैरिजन करूँगा इसका आपको बता दूंगा, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊँगा कि मेन कैमरा मुझे काफ़ी फ़िलहाल अच्छा लगा है।
वो पिछले वाले कैमरा से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन जो सेकंड कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का एक यहाँ पे अल्ट्रा वाइड है, उसमें मैक्रो नहीं है, ना ही कोई टेलीफोटो लेंस है। तो ये चीज़ आपको देखने वाली बात है कि 30,000 में आपको एक टेलीफोटो भी लेंस यहाँ पे नहीं मिला है। मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और भी फीचर दिए हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको एक यहाँ पे एक आईना दिखा रहा हूँ, आपको मिरर दिखा रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, क्या चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ होगा कैमरा में। और कैमरा में आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो बनाते टाइम के ऊपर वीडियो स्टेबल होने में कुछ टाइम लगता है, स्टेबिलिटी में इशू है। और साथ में HDR मैंने आपको कल बताया था, जब HDR की कोई वीडियो HDR को कोई मैं फोटो क्लिक करने लगता हूँ तो स्ट्रगल करता है फोकस करने में, तो ऐसे कुछ इशू देखने को मिले हैं। बाकी फोटोज़ की क्वालिटी अच्छी है, इसको कंपेयर भी करेंगे पोको F5 वगैरह से या आईकू नियो 7 से या फिर OnePlus 11R से। बाकी अगर आप इन में तीनों में से किसी दो को पिक करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उनके साथ मैं कंपेयर ज़रूर कर दूंगा। तो इसके अलावा आगे हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, वो मुझे पूछा गया है सेल्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे हुआ ये था कि काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहली प्री ऑर्डर वाली सेल थी, जो प्री ऑर्डर स्टार्ट हुआ था तो वो 25-26 तारीख को हुआ था। तो मुझे फ़ोन बहुत लेट मिला है, मुझे 10-11 जून को मिला है और आज 14 जून है। तो अगली जो अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो 14 यहाँ पे जून है, और अभी मैं अगली सेल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको 21st ऑफ जून को यहाँ पे सेल लगेगी, 21 जून को नेक्स्ट सेल लगेगी इस फ़ोन की। अगर आप में से लोग यहाँ पे इसको लेना चाहते हो तो 21 जून का वेट कीजिए, 21 जून को आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा 30,000 के अंडर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सेल के बारे में थी। और सेल में बहुत दिक्कत ये आ रही है कि जैसे सेल स्टार्ट होती है, 21 को सेल स्टार्ट होगी तो वो क्या होगा कि 10-15 मिनट में सपोज सारा स्टॉक उड़ गया तो वो बाद में जो कैंसिल होते रहते हैं ऑर्डर, तो आपके स्टॉक में एक या दो फ़ोन आते रहते हैं। तो आप वो पर्टिकुलर डे में आप रिफ्रेश करते रहिए, आपको फ़ोन मिल जाएगा। क्योंकि मेरे साथ मोटो का काफ़ी यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है सेल्स का, वो बैड ही रहा है। तो मुझे पहली सेल में कभी भी नहीं मिला, मुझे वो वही रिफ्रेश करना पड़ता है उस सेल में। तो उस सेल के एक घंटे आधे घंटे में जब ऑर्डर्स कुछ कैंसिल हो जाते हैं, कुछ ऑर्डर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मुझे वो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये चीज़ है इसकी सेल्स को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। इसके अलावा अगर आपका और भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं वो मुझे यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसका भी आपको यहाँ पे मैं जवाब दे सकूँ। बाकी डिवाइस ओवरऑल मुझे एक दिन की यूसेज में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि मैंने फ्लैगशिप से यहाँ पे स्विच किया है एक मिड रेंजर में, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा है कि एक मिड रेंजर फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो इस FAQ में मैंने मोस्टली इसके प्रोस के बारे में बात की है, कॉन्स के बारे में मैं बात करूंगा अपनी रिव्यू वाली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। आने वाली वीडियोस कुछ मैं आपको मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे इसकी कैमरा वाली वीडियो आने वाली है और साथ ही इसकी एक स्पीड टेस्ट वाली वीडियो आने वाली है पोको F5 आईकू नियो 7 के साथ। और साथ में एक वीडियो मैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस वाली लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, वो भी हमें जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी ऐसा कंटेंट आपको मिल पाएगा, तभी मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस और भी बनाने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये FAQ वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये FAQ वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई धमाकेदार वीडियो में।